बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं गुजरांवाला का। तरक्याती स्कीम्स में 2 अरब रुपए मुबैना रिश्वत लेने का इल्जाम, चौधरी परवेज इलाही को आज 2 मुकदमात में एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही की अदम हाजिरी पर जमानत कबलस गिरफ्तारी खारिज की गई थी। दोनों मुकदमा थाना हेडक्वार्टर्स एंटी करप्शन गुजरांवाला में दर्ज हैं। तो तरक्याती स्कीम्स में 2 अरब रुपए मुबैना रिश्वत लेने का इल्जाम है। इस हवाले से अपडेट्स लेने के लिए लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताएगा कब तक पेश किया जाएगा? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के मंत्री सदर चौधरी परवेज इलाही को, जिन्हें कल एक मुकदमे से डिस्चार्ज होने के बाद एंटी करप्शन हुकाम ने 2 नए मुकदमात में जो है वो हिरासत में ले लिया गया था और बाद में उनकी गिरफ्तारी जो है वो कर दी गई थी, आज उनको जो है वो गुजरांवाला में जो यहां पर सिविल जज की अदालत में पेश किया जाएगा और उनका रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इन 2 मुकदमात में जो है मुबैना तौर पर करप्शन के इल्जाम आयद किए गए हैं और मुबैना तौर पर किक बैक्स जो है वो लेने इल्जाम आयद किया गया कि इन ठेकों में जो है वो चौधरी परवेज इलाही ने जो है वो मुबैना तौर पर किक बैक्स लिए हैं। आज चौधरी परवेज इलाही को कल रात जो है वो लाहौर से गुजरांवाला मुंतकिल किया गया था और पहले रीजनल हेडक्वार्टर में रखा गया और वहां से अब जो है वो चौधरी परवेज इलाही को अमकान ये जाहिर किया जा रहा है कि 11 बजे के करीब यहां पर जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है वो एंटी करप्शन हुकाम के वकला और जो चौधरी परवेज इलाही के वकला जो है मुअज्जज अदालत के सामने जो है पेश होंगे और इस हवाले से दलाइल के सामने पेश होंगे। बहुत शुक्रिया लियाकत आपका।